फरीदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर 47 शिकायतें आई, मौके पर 7 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील फरीदपुर से है, जहां पर आज फरीदपुर में तहसील दिवस के अवसर पर समाधान दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर 47 शिकायतें की गयी, जिनमें मौके पर ही 7 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज के इस तहसील दिवस में विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग और समाज कल्याण विभाग की शिकायतें अधिकारी हैं, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के समाधान दिवस में आई समस्त शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह के अंदर करा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ग्राम फरीदपुर बरेली ने बताया कि उन्होंने अपना राशन कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण कुछ दिन पहले कराया था, परंतु अब तक उनका राशन कार्ड बन नहीं पाया, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति विभाग को जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता सरताजी पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद नूर निवासी मोहल्ला साहूकारा फरीदपुर ने बताया कि दिनांक 15 जुलाई 2021 को उनकी पुत्री शाम 6 बजे से नगर पालिका परिषद के आसपास कुछ सामान खरीदने गई थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, जिस पर जिलाधिकारी ने SHO फरीदपुर को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता रामचंद्र पुत्र तिलकधारी मोहल्ला लाइन पर पड़ेरा रोड वासुदेवपुर थाना फरीदपुर ने बताया कि उनका परिवार बहुत ही गरीब है तथा घर में शौचालय नहीं बना है, उस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज अधिकारी को उनके घर पर शौचालय बनवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता लक्षा देवी ने पत्नी लालाराम निवासी ग्राम करतौकली थाना फतेहगंज पूर्वी ने बताया कि उनके घर के पास दबंग लोगों ने अवैध रूप से शराब की भट्टी खोल रखी है। कई बार गांव के लोगों ने भी इसे हटाने का प्रयास किया, किंतु वह जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी फरीदपुर को मौके पर पहुंचकर शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता जसपाल सिंह पुत्र श्री सेवाराम निवासी सारीपुर तहसील फरीदपुर ने बताया कि उन्होंने अपना गन्ना मिल में दे दिया है, परंतु उसका पैसा उनके खाते में अभी तक नहीं आया, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को जल्द से जल्द भुगतान करवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता पुष्पा देवी ने पत्नी बालकराम ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले बिजली के कनेक्शन की अर्जी दी थी, परंतु अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी फरीदपुर, क्षेत्राधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विधायक निरीक्षक, गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। जी महोदय, आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तहसील में तहसील दिवस के अवसर पर, किस संदर्भ में यहाँ पर आप सभी लोगों का आना हुआ है? हम व्यापार मंडल के सभी साथी पदाधिकारी जी इसलिए आए हैं कि फरीदपुर में विगत दिनों में चोरी की कुछ असाधारण घटना हुई, जिसमें हमारे व्यापारी शिकार हुए जी, और उनको अभी तक वर्कआउट नहीं किया गया है, और इसके बारे में संज्ञान में कई बार अधिकारियों को लाया गया और बरेली में SSPC तक मिले थे जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम जल्दी वर्कआउट कराएंगे केस, लेकिन अभी तक उसको कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो अभी मिलकर आए हैं, ज्ञापन देकर आए हैं जी, रिमाइंडर दिया, उनको रिमाइंडर दिया है जी। तो उन्होंने ये कहा कि CSR से उन्होंने बात की थी जी, तो CSR ने कहा टीमें लगी हुई हैं और जल्दी परिणाम सामने आएगा।